एक हमारे भी कंपोजर थे जो हमारे लिए अब तकरीबन बंगाली हो गए क्योंकि पाकिस्तान में रहते भी सोलाना नाम है उनका। हम उनको बहुत याद करते हैं अपने प्रोग्राम में। उनको बहुत याद करते हैं हमारे बचपन के दोस्त। और दोराहा एक फिल्म थी उनकी, उसमें मेहंदी सब गाने रुश्दी के थे, एक गाना मेहंदी साहब का था मुझे तुम नगर से। जी जी। आज के प्रोग्राम में ये हुआ कि अनवर साहब ने कहा कि मैं अपनी पसंद से गाना सुनूंगा, आपका फॉर्मेट जो मर्जी हो, मुझको अपनी पसंद का गाना सुनना। हमने कहा ठीक है, आप जिद कर रहे हैं तो हम पहले जिद वाला गाना सुनवाएंगे, फिर हम इनकी जिद पूरी करेंगे। और ये गाने तो इतने खूबसूरत हैं कि कितनी बार भी सुने, किसी से भी सुने, मजा ही आता है। वो किसी के लिए कहा जा सकता है कि मुझे तुम यहाँ से भगा तो रहे हो, भगाना भी चाहो भगाना सको। वो तो यही रहे। नहीं ये अच्छे आदमी, चले जी आप। पिछले दिनों उनकी मुझे ईमेल आई थी और मुझे उन्होंने बताया कि वो शोज देखते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आज का शो भी उन्होंने देखा होगा और फैसल को और भी अच्छा लगेगा। और आप फैसल की जो फीमेल है
वो अभी भी पावरफुल है। जब वो तैयार होगी पाकिस्तान आने के लिए तो सोहेल साहब आएंगे। हाँ, नहीं, नहीं मिलने तो आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आएंगे जरूर। और इस गाने में कमाल ये था कि इसमें मसरूर अनवर क्या गीत लिखते हैं, क्या कमाल ऐसी शायरी। तो हमारे यहाँ है नहीं, दरमियान नहीं रहे अब, मगर मसरूर ने हमारे यहाँ मतलब तनवीर नकवी, कतील नियाजी, कतील शफाई साहब, ये लोग गीत लिखते थे, बड़े अच्छे अच्छे गीत, अदब होता था उनमें। मगर जब मसरूर ने एक नया रंग दिया, जैसे जावेद अख्तर ने हिंदुस्तानी गीतों को साहिर, मजरू, कैफी आजमी ये सब लिख रहे थे चालीसार अख्तर, मगर जावेद ने एक नई चीज लाके बिल्कुल एक अपना अंग नया इंट्रोड्यूस कराया ना। मगर वो ज्यादा देर चला नहीं, उन लोगों के पुराने गीत चलते हैं। मसरूर ने बिल्कुल अल्लाह रखे कमाल, वो तो चलेगा, वो तो वो बात ही अलग थी, मगर जो फिल्मी गीत मसरूर के जबरदस्त जबरदस्त। फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और महबूब साहब क्या बात है जी आप सब। हाँ, अशरफ भाई का तो इनका जवाब नहीं है। आपसे हम एक छोटी सी ब्रेक के लिए इजाजत लेते हैं और थोड़ी देर बाद आएंगे, आपका ही मत जाइएगा।